प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। जैसा इस गीत में हमने गाया है, आपकी राहों में कितनी भी चुनौतियां हों, कितने भी कांटे हों, कितने भी बंपर्स हो, ऊबड़ खाबड़ हो, लेकिन आप रुकिए मत, चलते जाइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु आपके साथ है। कई बार हम जीवन की यात्राओं में मार्ग भटक जाते हैं और हमें बाद में लगता है कि काश मैंने वो रास्ता लिया होता, मैंने वो निर्णय लिया होता, मैंने ऐसा किया होता, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाना चाहता हूं जो सही समय पर सही रास्ते पर पहुंच गया, और जब वो सही रास्ते पर पहुंचा तो उसका जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो गया। बी ऑन द राइट रोड, सही रास्ते पर होना। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 1 से लेकर वचनों को जब आप आगे पढ़ेंगे, वहां पर यीशु यरीहो में प्रवेश कर रहे थे और जक्कई नामक एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था, वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। 4 वचन जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। आप सही रास्ते पर अगर पहुंच जाए, सही मार्ग में सही समय पर आप कुछ निर्णय अगर ले लें, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाहट आप देख सकते हैं। जकई जो नाम है उसका मतलब है प्योर, शुद्ध, धर्मी, लेकिन ये व्यक्ति नाम के विपरीत उसका काम है। वो चुंगी लेता है लोगों को, इजरायली लोगों को रोमी साम्राज्य का डर दिखाकर उनसे अधिक पैसे ऐंठता है और यहूदी लोग उसे पसंद नहीं करते, किसी भी चुंगी वाले को पसंद नहीं करते, और ये लोग अगर अकेले में कहीं मिल जाएं तो पथराव कर इन्हें मार डाल सकते हैं, इतना गुस्सा उनके अंदर है। ऐसा ही एक व्यक्ति, लेकिन उसके बारे में लिखा है वो तो सरदार था चुंगे लेने वालों का। वो अपने जीवन में बहुत धन कमाते हुए जब आगे बढ़ रहा था, एक दिन उसके मन में एक विचार आया, एक छोटा सा विचार, मुझे यीशु को देखना है। और वास्तव में ऐसा विचार अगर किसी व्यक्ति के मन में हो तो उसका जीवन बदल सकता है। और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा, आप में से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, किसी के मन में अगर ऐसा विचार आ रहा है, मुझे यीशु से मिलना है, मुझे यीशु को देखना है, तो मैं आपको कहूं आपके जीवन का एक बहुत बड़ा वो निर्णय होगा। सो ये व्यक्ति, सब कुछ उसके पास है लेकिन वो यीशु को देखना चाहता है, क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना होगा, यीशु के चमत्कारों के बारे में उसने बहुत लोगों से सुना होगा कि यीशु जहां भी जाते हैं वहां पर अद्भुत काम होते हैं, और इस कारण उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता जागी कि मुझे यीशु को देखना है। और जानते हैं उसने क्या किया? विचार जब आया उसने विचार को क्रियान्वित भी किया। वो यीशु को देखने के लिए, क्योंकि यीशु उसी शहर से गुजर रहे थे जहां पर ये रहता है, वो आगे दौड़ा और एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, और शायद उसने अपने आप को छुपा लिया होगा पत्तों के बीच में, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि यीशु उसे देखे या लोग उसे देखें। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, एक धनी व्यक्ति, चुंगी लेने वालों का सरदार, जो कद में नाटा है, उम्र भी अच्छी सी हो गई होगी, वो सड़क पर दौड़ रहा है बच्चों के समान। छोटे बच्चे खेले, भागे, दौड़े,
वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग कहेंगे खेल रहे हैं, लेकिन एक बड़े पद का व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति अगर वो दौड़ रहा है तो आपको कैसा लगेगा? जानते हैं क्या किया? वो बच्चा बन गया और बच्चा बनकर वो दौड़ने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु ने कुछ बच्चों को, जब लोग यीशु के पास लेकर आ रहे थे तो बच्चों को चेलों ने रोका। 17 वचन में यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों की नाई ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। वाह, ये बच्चा बन गया और वास्तव में इसने उस योग्यता को हासिल किया जो इसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा सकती है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, बच्चों का सा स्वभाव क्या होते हैं? बच्चों का स्वभाव, आपने कई बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखा होगा, लेकिन तुरंत अगले ही क्षण उनको झगड़ते हुए भी देखा होगा, मारपीट हो गई, रोने लग गए, बातचीत बंद कर दिया। ये बच्चों का स्वभाव है। लेकिन सबसे खूबसूरत स्वभाव पता है क्या है? थोड़ी ही देर के बाद जिनसे मारपीट हुई थी, जिनसे झगड़ा हुआ था, उन्हीं के कंधों पर हाथ रखकर फिर से आइसक्रीम एक साथ खाते हुए देखेंगे। यानी उनका जो गुस्सा था, उनका जो क्रोध था, वो क्षणिक था, वो एक इमोशनल एक प्रतिक्रिया थी, लेकिन मन में कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर बड़ों के साथ ऐसा हो जाए तो शायद वो जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? बच्चों के समान हमारे हृदय को अगर हम इन सब बातों से दूर कर उन बच्चों के समान बन जाएं, तो वो एक योग्यता है कि स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, ऊंचे पद वाला व्यक्ति, वो बच्चा बन गया, बच्चा बन गया, वो बच्चा बनकर वो उस स्थान पर दौड़ रहा है जहां से यीशु गुजर रहे हैं, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। आप जब उस भाग को पढ़ेंगे, पेड़ के ऊपर गुलर का पेड़ वहां पर था, उस पर चढ़ गया। इस जकई को काफी चुनौतियां थी यीशु को देखने में। एक भीड़ चुनौती थी, काफी लोग थे। दूसरा, वो छोटे कद का था, छोटा कद का व्यक्ति अगर एक भीड़ में हो तो वो देख नहीं पाता, क्योंकि लोग वहां पर उसको घेरे हुए हैं। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसने एक पेड़ ढूंढ लिया जो गुलर का पेड़ था। गुलर का पेड़ की खासियत क्या है? उसकी जो टहनियां हैं वो नीचे से ही शुरू हो जाती है। आपने कुछ पेड़ देखे होंगे जो बहुत लंबे होकर डालियां निकलती हैं, लेकिन कुछ पेड़ नीचे से ही डालियां निकाल देते हैं। गुलर का पेड़ उनमें से एक है। यानी ये छोटा व्यक्ति भी उस पर चढ़ सकता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपके मन में उस परमेश्वर के पास जाने की एक इच्छा आएगी तो बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसे मार्गों को तैयार कर रखेगा जिस पर होकर आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। ये पेड़ वहां एक्सीडेंटली नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दिव्य दृष्टि में परमेश्वर ने इस बात को जान लिया था कि आने वाले समय में यीशु से मिलने एक जकई आएगा, वो छोटा होगा, उसको चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए एक ऐसा पेड़ वहां चाहिए जिस पर वो आसानी से चढ़ सके। और ये जकई उस पेड़ पर चढ़ गया। वो बैठा है, यीशु को आने का इंतजार कर रहा है, अपने आप को पत्तों पर छुपाकर। और यीशु जब वहां से पास आए, इसके दिल की धड़कन बढ़ रही होगी, ओ अब मैं देखूंगा, अब मैं देखूंगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, यीशु वहां पहुंचा, ठीक जकई जहां पर छुपा हुआ था वहां रुककर ऊपर को देखकर वो कहता है, हे जकई, झट से नीचे उतर आओ। मुझे एक चीज याद आ रही है, जब आदम और हव्वा ने पाप किया और वो छुप गए पेड़ों के पीछे।